नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंस सर्विसेज। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी में काफ़ी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिला था, लेकिन अब यह कंपनी अपने लोअर सर्किट पर चल रहा है, तो ऐसे में कल इस कंपनी के साथ क्या हो सकता है? क्या यह कंपनी अगेन आपको अपर सर्किट पर देखने को मिलेगा? वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ से यह कंपनी यू टर्न लेगा और फिर से अपर सर्किट पर चलना स्टार्ट कर देगा? सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। आप देखेंगे इस कंपनी का 52 वीक लो हुआ करता था 5 पैसे का, और उसके बाद इस कंपनी ने अपना जो टारगेट टच किया यानी कि 52 वीक हाई को टच किया 1.86 रुपए पे, और वहां से यह कंपनी लगातार गिरते चला जा रहा है। अगर इस कंपनी के ऊपर डेप्ट की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यह कंपनी फुल्ली डेप्ट फ्री है, यानी कि 1 रुपए का भी डेप्ट नहीं है इस कंपनी का। लेकिन प्रमोटर्स होल्डिंग काफी निराशजनक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत ही नाम मात्र है, 2.79% का डिटेल सिर्फ है, जो कि काफी बुरी हालात है। यानी कि प्रमोटर्स को अपने शेयर्स पे खुद ही भरोसा नहीं है। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे अभी हाल ही में इस कंपनी ने एक हाई बनाया था और वहां से यह कंपनी करेक्ट होकर नीचे आया था, और उसके बाद इस कंपनी ने सपोर्ट लेकर अगेन भागना स्टार्ट किया था, लेकिन अब यह कंपनी अगेन गिरना फिर से स्टार्ट कर चुका है। दोस्तों अगर इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो आप देखेंगे इसमें हमने डेली चार्ट लगा रखा है। अगर डेली चार्ट में इस कंपनी के डिटेल की बात करें तो इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन इस कंपनी ने अपना जो रेजिस्टेंस फेस किया था 1.70 रुपए के पास में, और अगेन वहां से गिरना स्टार्ट किया था। उसके बाद इस कंपनी ने 1.40 रुपए पे अपना सपोर्ट लिया, और वहां से अगेन जब इस कंपनी ने बाउंस बैक किया तो 1.85 रुपए के भी ऊपर निकल चुका था, और अब यह कंपनी फिर से लोअर सर्किट पे चलना स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में जो ये 1.40 रुपए का लेवल है, ये कंपनी के लिए काफी बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। अगर यह कंपनी वहां पर सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक करता है तो इस कंपनी में 2 रुपए 2.20 रुपए तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यह कंपनी वहां से नीचे फिसलता है तो इस कंपनी का जो अगला आपको सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 85 पैसे के जस्ट पास में, यानी कि यह कंपनी 1 रुपए के नीचे इंटर कर जाएगा। क्या उससे पहले कोई सपोर्ट लेवल नहीं है? बिल्कुल, इस कंपनी का एक और सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा 1.10 रुपए के पास में, लेकिन यह उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है। लेकिन अगर यह कंपनी यहां पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो इस कंपनी में फिर से आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इंटर हुए हैं और अभी तक एग्जिट नहीं कर पाए हैं, वो लोग निकलने का मौका ढूंढ सकते हैं अगर यह कंपनी आपको निकलने का मौका देती है तो। अदरवाइज इस कंपनी में आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी यह कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिखा देगा। अगर बात करें इस कंपनी के RSI के थ्रू सपोर्ट लेवल की, तो 50 के RSI के पास में सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी अगर इससे नीचे फिसलता है तो फिर 30 के RSI तक जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।